वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं खवातीन के ऊपर। थोड़ी देर पहले हमने हेल्थ का एक टॉपिक और एक सेगमेंट पूरा आपके साथ शेयर किया, लेकिन अब चूंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, हर सेक्टर में कहा जाता है कि हमें हमारी वुमेन जो है वो एम्पावर होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से वुमेन एम्पावर होंगी, वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, इसको किस तरह से लेकर चलना है, इस पर डिस्कशन के लिए हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी रुखसाना इबाद, हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है। वेलकम टू द शो रुखसाना, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूं। अच्छा रुखसाना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इस टर्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वुमेन को अपने फैसले करने की, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि एक तो पहले लड़कियां हैं घरों में अपने माँ बाप की पाबंद है, शादी हो जाती है तो शोहर की पाबंद है, फैसला नहीं कर सकती, माशी तौर पे आज़ाद नहीं है। हालांकि इस्लाम ने हमें माशी तौर पे आज़ाद कर दिया था जब वालिद की विरासत में से हिस्सा दे दिया, ताकि उनके पास ऐसे हो, इख्तियार हो, कोई काम करना चाहें, कुछ खरीदना चाहें, कुछ लेना चाहें तो उनके पास अमाउंट हो। आपको पता है आपके हाथ में पैसे हो, जेब में पैसे हो, आपको फील होता है कि आप एम्पावर्ड हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप बेबस नहीं हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी ने वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी और औरतों के पास ना तो उनके पास फैसला करने की कोई भी इख्तियार है और ना उनके पास पैसा है जिससे वो कुछ खुद फैसला कर सके लेने का या कुछ करने का। तो उससे अब शऊर आ रहा है औरतों को कि हमारे पास फैसला करने का अख्तियार भी होना चाहिए और हमारे पास माली वसाइल भी होने चाहिए जिससे हम अपने आप को आज़ाद फील करें। किसी वक्त कुछ भी, कोई भी फैसला करना है, कुछ भी करना है तो माली वसाइल ऐसे हों। और उसके लिए फिर अब मुख्तलिफ ज़रिए हैं कि जॉब्स भी हो रही हैं, जॉब्स भी करते हैं, बिजनेस भी स्टार्ट कर रही हैं ख़वातीन। जबकि आपने देखा देहात में साल हर साल से, सदियों से खवातीन काम कर रही हैं बट उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। एग्जैक्टली। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रुखसाना, आपको कैसे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो टर्म हम अब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इम्प्रूवमेंट आई है, खवातीन हमारी उस हद तक जो कह रहे हैं महफूज भी हैं और आगे एक्सेल करने की भी उनमें सलाहियत बढ़ रही है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट एक एकदम से बूम तो आया है उसके नाम पे, बिल्कुल इस नाम को बूम दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि पहले भी काम कर रही थी ख़वातीन, लेकिन इस पूरे स्नैरियो से जैसे लोग काम करना शुरू हो गए, टीवी पे ये लफ्ज़ आना शुरू हो गया, स्टोरीज आना शुरू हो गई ख़वातीन की, सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो गई, उससे वो औरतें जो घर में बैठी थीं और कुछ मसाइल थे लेकिन वो उस मसले, कुछ डर, कुछ खौफ, किसी वजह से भी कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट करती थी या उनके पास कोई स्किल है उस स्किल सेट को लेके कोई काम नहीं स्टार्ट करती थी, उनको एटलीस्ट ये करेज मिली है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। अगर इतनी स्टोरीज आई हैं बाहर कि अब उनको फील होना शुरू हुआ है कि वो भी ऐसा कुछ कर सकती हैं, वो भी कुछ करके दिखा सकती हैं, और सिर्फ माली तौर पे मुस्तहकम होना ही ज़रूरी नहीं है। बाज़ुकात ख़वातीन फारिग होती हैं घरों में और गॉसिप्स करती हैं जो क्रिएटिव नहीं है, जो कुछ भी सोसाइटी को दे नहीं रहा, जो इवन उनको पर्सनली भी कुछ नहीं दे रहा। सो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यही है कि कुछ काम किया जाए, कुछ मसरूफियत ढूंढी जाए जो माशरे के लिए किसी ना किसी तरह से हेल्पफुल हो और उनकी अपनी फैमिली के लिए भी किसी ना किसी। रुखसाना, अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर खवातीन निगलेक्टेड है। बहुत सारे एनजीओस काम भी कर रही हैं, बहुत सारे लोग भी इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात माइंडसेट पर आकर रुक जाती है। बहुत उन एरियाज में अभी भी माइंडसेट वही है कि औरत घर पर रहेगी, घर के काम करेगी, सारा कुछ करेगी। ये माइंडसेट शायद एजुकेशन से ही चेंज होगा। एजुकेशन से तो चेंज होगा बट एक मीडिया बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। हमारे यहाँ आजकल बदकिस्मती से ड्रामास जो हैं वो टोटली एक और रुख पे चले गए हैं। हमने जब अपने बचपन से बड़े होने तक जो ड्रामास देखे थे वो सोशल इश्यूज पे होते थे और बहुत अच्छे ड्रामास बने। अब अगर इस तरह से कुछ कंटेंट क्रिएट किया जाए जिससे लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की जाए, जहाँ तालीम नहीं भी है, ये मीडिया तो है, वहाँ पे ड्रामा भी देखा जाता है, ख़बरें भी देखी जाती हैं और टॉक शोज़ भी देखे जाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, जो एनजीओस काम कर रही हैं उनका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है और वहाँ घर घर जाके औरतों को छोटी छोटी जो उनको हुनर आता है उसको किस तरह से वो अपने छोटे से लेवल पे अपने घर में ही कर सकती हैं, सही, किस तरह से वो अपने घर में छोटा सा मुर्गी खाना बना सकती हैं, अंडे और मुर्गियां बेच सकती हैं, किस तरह से अपने घर में चंद बकरियां पाल सकती हैं और उससे अर्निंग कर सकती हैं,
और फिर आ जाती है वही फाइनेंशियल इशू आ जाता है, तो बहुत छोटे लोन्स दिए जा सकते हैं, या लोन अगर वो आजकल तो बहुत सारी ऐसी एनजीओज भी हैं जो लोन देती हैं, हुबत है और बहुत सारे, ठीक है, अगर लोन्स ना भी और अगर उनको वो कर्जे हंसना कि अगर वो वापस नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं होगा, बट वो इससे अपना स्टार्टअप ले सकें, वो एक ट्राई तो कर सके, हो सकता है फर्स्ट ट्राई उनकी फेल हो जाए, तो इस तरह से माइंडसेट। और जब घर के मर्दों को ये पता होगा कि घर में मुर्गियां ही तो पाल रही है, घर में बकरियां ही तो पाल रही थी, ये घर में एक भैंस ही तो रखी है, उसका दूध ही तो बेच रही है, सो उनको अब इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि घर से बाहर निकल के काम करने गई है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा जिस तरह का इन्वायरमेंट है हम उसी तरह की चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दें, उसी तरह की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर दें ताकि वो काम करना शुरू हो जाएं, बजाय इसके कि फारग बैठी रहें या गॉसिप्स करती रहें, वो छोटे छोटे काम करना शुरू होंगी, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। हम देखें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से मंगवाना शुरू हो गए, हमारे टमाटर तक इवन इंडिया से आना शुरू हो गए, ठीक है ना, तो हम छोटा सा अपने घर का किचन गार्डन ही औरतों को सिखाना शुरू करें। किचन गार्डनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत इफेक्टिव भी है, घर पे लोग प्रेफर करते हैं कि खुद से करें। तो वो जो देहात के घर होते हैं उनके तो सेहन बहुत बड़े होते हैं, अब वहाँ उनके सेहन में उनको यही सिखा दिया जाए कि सब्जियां कैसे उगानी है, कोई अपने घर की हो जाएंगी, कोई दो घर और भी उससे सब्जियों से फायदा उठा सकेगा, तो इस तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं है। हम ये समझते हैं वही एंटरप्रेन्योर, हमने एक बहुत बड़ा हैवी वर्ड उठा लिया है और हम ये समझते हैं कि जब तक एक बिजनेस, एक एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं है, तो छोटे छोटे काम जो है ना वो हमें उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने जिस तरह का उनका माशरती माहौल है, जिस तरह का उनका खानदानी माहौल है, उसमें रहते हुए उन सारी पाबंदियों के बावजूद काम कर सके। वक्त बदलेगा, जब इनकम आना शुरू होगी, जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका माइंडसेट भी बदलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगा, बदलना हर कोई चाह रहा होता है, लेकिन आप उन तक कुछ पहुंचा नहीं रहे, एक तो एजुकेशन नहीं पहुंचा रहे, मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, मीडिया ने तो अजीब तरह की एक और तरह की दौड़ लगाई हुई है, वो आजकल तो रोने वाली हीरोइन वाले ड्रामे आते हैं, और हमारे औरत को हमेशा वो ड्रामास भी मैं देख रही थी मज़लूम दिखाए जा रहा है। और इसी चीज को लेके मैंने एक सीरीज पूरी पिन्हा सितारे के नाम से बनाई, वुमेन एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यूज किए, ठीक है, और वो सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ औरत रोती धोती नहीं है, सिर्फ उसको मसाइल हैं, उस मसाइल के बावजूद, और वो औरतें थी जो घर से छोटे बिजनेसेस कर रही हैं या चंद बड़े बिजनेसेस भी, कि वो उनको जितना मर्जी मसला हो वो अपने घर से ही चाहे काम करें लेकिन वो काम कर रही हैं, और वो है हमारी रियल औरत, जो अगर थोड़ा सा भी मसला आया है उनमें से किसी के घर में मसला आया है, माशी मसला आया, तो उसने कहा अच्छा मुझे खाना आता है बनाना और मैं खाने का बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ, सो ये औरत है हमारी मजबूत रीन, बजाय रोने के, धोने के, मांगने के, माँ बाप पे जाके बोझ बनती, उसकी बजाय उसने कहा मुझे, मेरे पास हुनर है, मैं इसी को बिजनेस बना लेती हूँ। हमारी औरत मजबूत है बहुत ज्यादा, मसला ये है कि हमने अपने ड्रामों में, फिल्मों में एक खास तरह की औरत दिखाई हुई है, ठीक है वैसी औरतें हैं देहात में या कुछ इवन शहरी इलाकों में भी, बट हम अगर जो दिखाएंगे वही प्रमोट होगा, ठीक है, अगर हम मजबूत औरत दिखाएंगे तो और पता नहीं कितनी औरतों को उससे करेज मिलेगी कि अगर वो ये कर सकती है एक औरत तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा रुखसाना, चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट की हमने डिटेल में डिस्कशन भी की, बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं हमारे सामने, हम शायद उन एग्जांपल्स को उस तरह से नहीं देखते, हम घर के एनवायरनमेंट पर डाल देते हैं, कभी हम अपने सोशल सेटअप पर डाल देते हैं चीज़ें, अब खवातीन को खुद भी अब थोड़ी सी करेज की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपको पहले भी कहा ना कि मौके दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए एक जैसे हैं, अब कामयाब वो होगा जो करेज दिखाएगा, जो स्ट्रगल करेगा। अब हम सिर्फ ये ब्लेम नहीं कर सकते कि औरतें उस सेक्टर में नहीं आ सकती और उस सेक्टर में नहीं आ सकती। मैंने मेरी फ्रेंड्स में से ही हैं और वो उनका इवन पिन्हा सितारे में इंटरव्यू भी किया, वो कार डीलिंग एंड प्रॉपर्टी डीलिंग में। अब आपने खवातीन को बहुत काम देखा होगा, सो अब ऐसे ऐसे शोभों में भी आ रही हैं, एयरफोर्स देख ले, आप माउंटेन क्लाइंबिंग देख ले, आप सारा कुछ कर रही। अब कामयाब वो होगा जो करेज दिखाएगा। देखिए मर्दों को भी मसाइल आते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्दों को बिजनेस में मसला नहीं आता या मर्दों को मुआशरे में मसला नहीं आता। देखिए अगर दो नंबरी है तो वो मर्द को भी दो नंबर माल मिल जाएगा कहीं से जब वो बिजनेस करने जाएगा, और फ्रॉड है तो मर्दों, अगर कोई मर्द बिजनेसमैन है उसको भी फ्रॉड होगा, और अगर कोई टाइम पे चीज देनी है किसी जगह पे, कोई प्रोडक्ट और वो टाइम पे रेडी नहीं हुई, वर्कर्स ने रेडी नहीं की, तो उस मर्द को भी वही मसला है।
ठीक है, सो बाज मसाइल ऐसे हैं जो मर्दों और औरतों को एक जैसे फेस करने पड़ते हैं. अब वहाँ करेज दिखानी पड़ेगी. सही, वहाँ फिर वो सिन्फ नाजुक बाजों का सिन्फ नाजुक बन जाती है. लवली लवली. अच्छा रुखसाना, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के दौर में इतने ज़्यादा आज महंगाई के दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी 52% आबादी घर में बैठी रहे. सबको काम करना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी काम करना पड़ेगा. और अगर किसी को लगता है कि उसको माली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो वो एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि कुछ गरीब बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दें, मगर अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू करें. लवली, थैंक यू वेरी मच रुखसाना, बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त बातें की. रुखसाना जनाब, वेमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे थे और डिटेल में रुखसाना बाद ने हमें बताया कि किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर किया जा सकता है उनके कल्चरल, उनके सोशल प्रेशर्स को मद्देनजर रखते हुए, और इसी तरह से हमारी पूरी सोसाइटी है जो वो एक्सेल करेगी. हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन हमारा कल बेस्ट ऑफ चलने वाला है. फेसबुक पर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जागो लाहौर के नाम से पेज है. और आज के शो अगर आपने मिस कर दिया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा. मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.